हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और वेलकम है आपका मेरे इस चैनल में वापस से। तो मैंने आपको पूरा रावण बनाना सिखा दिया है, पैर भी, लुंगी भी, मुंह भी, मुकुट भी और धड़ भी, हाथ सब सिखा दिया है। तो अब इस वीडियो में आपको कान, नाक और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हाथ और टचअप होती है चीज़ें, ये आपको बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार और दिखा दूँ, कुछ मुंह बनाया था ऐसा, इसका माथा वाता, इसकी वीडियो पूरी यूट्यूब पे मेरे चैनल पे डली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और ये इसका कुछ मुकुट था और ये इसकी लुंगी। इसकी लुंगी ऐसी क्यों है, इसमें असली लुंगी बनाऊँ ऐसे कपड़े की, तो बने रहे ना चैनल में, तो वो आपको सब बननी सिखाएगी और वीडियो में बताऊँगा कैसे बनेगी। इसका धड़ है जो कुछ ऐसा है, अभी इस पर थोड़ी सलवटें हैं, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा जब पेपर चढ़ेगा ना। अब आपको बनाना सिखाता हूँ। तो अब इसमें क्या करना है, जैसे ये था, मैंने माथा बनाया था, जैसे अपना माथा होता है, ये नाक होती, तो अब आँख बनानी है 3D। उस टाइम मैंने बनाई नहीं, थोड़ा मैं सोच रहा था कैसे बनानी है और फिर काम भी नहीं रोक सकते थे, तो मैंने पेपर चढ़ा दिया, तो अब भी अटैच हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो हमें जो शेप लानी है ना, कुछ लानी है ऐसे करके। तो भाई आँख ना कुछ बनी है ऐसी, मैं आपको एक बार शेप बता दूँ कैसे है। पहले नीचे मैंने बनाया था, ये मछली टाइप की बनाई थी, उस पर बाँस मार के बीच में जो है ना, बीच वाला ये वाला, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर उठाया और इस पर एक गोला लगा दिया। तो भाई अभी है ना, आँख मैंने ऐसे रेडी कर दी और इसमें ना तार बांध दिए इधर और एक इधर अटैच करने के लिए, और यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया एक यहाँ से यहाँ पर। तो अब ये तार ना मैं अंदर भेजूँगा और यहाँ से अंदर भेजूँगा और पीछे जाके मैं बांध दूँगा, तो यहाँ पर अंदर जो बांस है ना, इन पर बांध दूँगा। तो अब बांध के आपको दिखाता हूँ। तो भाई फिलहाल ना कुछ ये ऐसा लग रहा है, लगने के बाद ना मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, बताओ क्यों? क्योंकि ना इसमें क्या है, एक इसका जो मैंने गोला बनाया है वो इस तरफ हो रहा है और ये है गोला इस तरफ, जैसे भैंगा साला रावण नहीं हो जाता, ये तो वो लग रहा है यार। फिर इससे बढ़िया ना मेरे पे एक ऑप्शन है, एक काम करूँगा, एक ऑप्शन हो रहा है मेरे पे, इससे बढ़िया करते हैं थर्माकोल की आँख, मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी। उसमें प्रॉपर शेप देंगे ना, उसमें पेंट करके ना उसकी बनाएंगे, ये ना कैंसिल कर देते यार। हालांकि इसने मेरे 2 घंटे खाए आँख ने बनने में, धीरे 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 धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, पर रावण खराब नहीं करना, बढ़िया सी बनाएंगे उससे। थर्माकोल की आँख बहुत बढ़िया लगेगी इसमें शेप देखे, क्योंकि यार इसमें यार तुम खुद देखो, ये मैंने ऐसे रख दिया, मेरा कोई कारण होगा मना करने का। अब ये रख दिया ना, एक आँख जा रही है उधर, एक आँख जा रही है ऐसे, तो सामने शेप जो मैं देना चाह रहा हूँ ना, चीज़ डालना चाह रहा हूँ, वो आएगी नहीं यार, समझे? तो इसलिए ना ये कैंसिल करके थर्माकोल की बनाएंगे। बाकी अब आपको कान बनाते हुए मैं दिखाता हूँ। तो कान के लिए सबसे पहले मैंने 2 डंडी ले ली और कुछ शेप ऐसी दे दी है। कान में पहली बार बनाऊँ, मैंने कभी कान नहीं बनाए रावण के, और मतलब ना बहुत ही कम जगह बनते हैं रावण के कान ना, मूंछ के पीछे ना छुप जाते हैं, इसलिए मैं बहुत कम लोग बनाते हैं, इस पर मैंने इस बार बनाई छोटी मूंछ, तो इसलिए मैंने शेप दी है कुछ रावण के लिए ऐसी कान की। तो कान कैसे लगाऊंगा आपका, एक ऐसे देखे इधर से और ऐसे करके कुछ बना देंगे ऐसे करके। तो मैं पहले ट्राई कर लेता हूँ सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे, बनाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। भाई मैंने कान बना दिए, बहुत लोग कह रहे थे कान, तो ये देखो ये है कुछ ऐसे। इसमें क्या किया मैंने, देखो ये फट रहा है ना, ये तो फट गया था पहले, इसमें भी पेपर चढ़ेगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जॉइंट मारा, थोड़ा सा फोल्ड करके ना ऐसे फोल्ड करा और यहाँ पर जॉइंट मार दिया मैंने, यहाँ पर ऐसे करके। थोड़ा और शेप दूंगा इसमें, वो भी देखना, अभी पूरा नहीं बने अभी कान, एक उसमें बता रहा हूँ। और दूसरा भी कान आपका रेडी है, पर उसमें मैंने एक हो गई दिक्कत, वो थोड़ा ना दूर लगा दिया मैंने गलती से, ये देखो ऐसे है ना, वो थोड़ा दूर हो गया। इस पर क्या करता हूँ मैं, इधर ना जैसे इधर एक बीच में एक जॉइंट आना पड़ेगा यहाँ पर, तो इधर मैं डंडी मार के यहाँ से जॉइंट लेके फिर यहाँ पर मारता हूँ, फिर वो आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। तो फिलहाल भाई मैंने दोनों कान बनानी है, अब लगभग शेप सही आ रही है, आगे पीछे नहीं हो रहे, ये देखो। अब इस पे ग्लेस पे, सॉरी ब्राउन पेपर चढ़ाता हूँ अभी, पहले बांस का काम ना थोड़ा पूरा कर लूँ, उसके बाद पीछे से कुछ ऐसा लग रहा है यार, ये ना फट गया यार, कोई दिक्कत नहीं, अभी चढ़ाते हैं पेपर ना, एक बार ये पूरा कर दूँ काम। अब इसके बाद ना मैं, कान हो गए पूरे, पीछे से ना यार इतने ही दिखने हैं, और कुछ तो दिखना नहीं, मैं तो ऐसे ही बनाता नहीं हूँ। तुम बहुत बोल रहे थे कान कान येल्लो, भाई कान ही बना दिए मैंने, पहली बार बना के देखे कैसे। अभी इस पे पेपर लगाते हैं फिर देखते हैं। इसमें है ना अभी लुंगी में भी काम करना है, जो शेप देनी है ना, जो रियलिस्टिक कपड़ा बांधना है, उसके लिए ना यहाँ पर साइड में ना थोड़ा सा बांस ऐसे करके लाना है इसमें, जिससे थोड़ी सी ना शेप आएगी बाहर, जिससे लुंगी थोड़ी होगी,
उसी से होगी। तो है ना इस पे भी बांस मारने हैं थोड़ा, और थोड़ा छाती में भी काम है। कान रेडी थे, अब जो है ना यहाँ पर ये रह रहा है, ये सारे जो फट गए थे ना रखते टाइम या जो भी है, थोड़ा अब इस पे करनी है फिनिशिंग। ठीक है, अब मैं लई बना ली है मैंने, अब इस पे चढ़ाते हैं पेपर, और थोड़ा छाती पे भी थोड़ी ना शेप अब थोड़ी आगे पीछे हो गई थी, लास्ट में लई ख़त्म हो गई थी ना उस दिन, तो अब करते हैं ये सारा काम। आज आपको अब बनाना सिखाऊंगा हाथ, अब मैं छाती इधर ले आया हूँ, हाथ आपको किसी ने ज़िंदगी में बनाने नहीं सिखाए होंगे, मैं ही बनाना सिखाऊंगा। क्या करना है, इसी साइज़ का गोला लेना है, और क्या करना है हमें, मारना है एक बास इधर और मारना है एक बास इधर, मारने के बाद बीच में फिर हमें मारना इधर ऐसे डंडा, समझ रहे हो, देखते रहना, और फिर उधर से ऐसे 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 हाथ मार के, मतलब ये बांस मार के, फिर इधर से बनानी है उंगली। पहले मैंने ट्राई कर लेता हूँ, मैं अभी पहली बार बनाऊँगा और फिर देखते कैसा लग रहा है बढ़िया। तो भाई मुझे ना फिलहाल अब समझ आ गया हाथ कैसे बनेगा, भाई ये हाथ अगर कोई बनाना सिखा दे तो मैं मान जाऊँगा, आप समझे चीज़ को। ये देखो ये क्या है, मैं आपको दिखा कैसे क्या सिस्टम बनाया मैंने, देखो गोला, और गोले के यहाँ पर आपका ये ऐसे मैंने ना बांस को पहले शेप दी अच्छे से, मोटा बांस लेना इसमें ना, पतला नहीं चलेगा, पतला ना शेप नहीं लेगा, मोटा बांस लगा के मैंने शेप देके दो बांस सेम साइज़ के लेके ना पहले अंदाज़ा ले लो इतना, मतलब यहाँ से हाथ मोड़ना है, ये चीज़ है, ये होती है ना आपकी ये चीज़, ये हिस्सा है ये, तो इसके अंदर क्या है आपका, और दिखाता हूँ शेप देके दोनों की है ना सेम शेप देनी है, यहाँ बांध दो ऑल्टरनेट बांधने हैं सामने सामने, ठीक है पैरेलल में, और ऐसे बांधने के बाद ना ऐसे शेप देके इसकी भी शेप देनी है ऐसे थोड़ी सी राउंड, और उसके बाद ना ऐसे पैरेलल में होने चाहिए, बांध दिया। अब क्या है, अब जो है ना ये साइड में जगह रह रही है, इनमें बांस भर दो, तो ये हमारी ये हिस्सा ये जो होता है ना ये पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें ना उंगलियाँ जॉइंट करनी है, फिर वो आपको दिखाता हूँ, कोई बना के दिखा दे तो बता देना। मैं बना इस पर देखो ये लगा के देखा है, अब आप समझे शेप, ये देखो यहाँ से भी पेपर लग जाएगा ना, तो ऐसे साइड का ये हो जाएगा, इसके बाद यहाँ से आ जाएगी ऐसे उंगली, मुझे है ना ये हाथ ऐसे रखना है ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा समझे, ये चीज़ है। अभी पहले ना बना के दिखाता हूँ ना आपको पूरा, और ना ये बाद में अटैच करना है, अभी करोगे ना तो थोड़ी है ना दिक्कत आएगी, मतलब एरिया के ऊपर है, मेरे पास ना स्पेस नहीं है रखने का ऐसे, तो मैं अभी ये बाद में ही लगाऊंगा, आप अपना देख लेना, अभी लगाना बाद में, मैं भी देखता हूँ अभी क्या करते, पहले बना लूँ मैं पूरा अंगूठा भी इसका और ये चीज़ें भी। तो अब क्या करना है, जैसे है ना ये यहाँ पर अब है ना बांस का काम नहीं होगा, यहाँ होगा तार का काम, तो तार ऐसे लेनी है, ज़्यादा मोटी वाली लेनी है तार, और यहाँ से उंगली की यहाँ पर अटैच करके यहाँ पर शेप देनी है उंगली की, और ये उंगली की शेप हो गई ना, इस पर पेपर ना गीला करके अच्छे से इस पर ऐसे ऐसे लगाओगे ना, तो उंगली है ना मोटी हो जाएगी और ये शेप आ जाएगी कुछ ऐसे, ये अब ये तैयार करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कैसी लग रही है। तो भाई अब ना हाथ देखो, अब आप समझे यहाँ तक मैंने ये बनाया था ऐसे, अभी आपको ना वीडियो में अच्छे से जज नहीं हो पा रही होगी चीज़, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ से देखो सारी है ना ये तारे अंदर हो गई एक तरह, ये उंगली ऐसे हो गई है, अब इस पर ना पेपर की है ना मतलब ऐसे घुमा के गोल, और इस पर ना लई मारूंगा ना तो हार्ड हो जाएगा, और ये एक तरह से बहुत मोटी मोटी उंगली बना दूंगा, जब ये सेट हो जाता है ना पेपर लगने के बाद, फिर अब आपको दिखाता हूँ ऐसे ही मैं दूसरा हाथ बना लेता हूँ। तो भाई अब मैंने ना सेम उसी की जैसा है ना ऐसे स्ट्रक्चर बना लिए, देखो ये है इसके हाथ में देनी है यहाँ पर तलवार, तो ऐसे आएगा ना आगे से उंगलियाँ देते, और हाँ भाई ऐसे आगे से तलवार पकड़े, भाई चीज़ बनेगी ना जब ही मज़ा आएगा, हाँ भाई ये बनी हुई है, तो भाई ये आएगा सॉरी ऐसे आएगा, ये आएगा ऐसे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे लगाना ऐसे लगा लो ऐसे लगा लो, वो तो हमारी मर्जी है ना, हम ऐसे भी कर सकते हैं अपना हाथ ऐसे भी कैसे, वो स्ट्रक्चर अपने ऊपर है भाई, कैसे ऐसे देके भाई सब बढ़िया सा बन जाएगा, और इधर से आएगा इसका अंगूठा ऐसे करके बीच में से तलवार, इसे अब पूरा कर देता हूँ मैं। तो भाई अभी है ना दोनों हाथ बन के रेडी है, आपको मैं इसकी शेप दिखा दूँ, मैंने इसकी तलवार के लिए वाली शेप दी है, तो आप समझ रहे होगे ये कैसे आया है, और भाई किसी ने आज तक बनाया हो मेरे से पहले ये सेम चीज़ तो बता देना, मान जाऊँगा सेम, ये देखो यही सेम टेक्नोलॉजी की, ये देखो, और इसमें मैंने टेप इसलिए यूज़ किया भाई, इसमें ना तार ना चल नहीं रही थी यार, उसके ना बारीक चीज़ है ना ये छोटी छोटी, तो आप समझ रहे होंगे। अब मैं ना इस पर वो लगाता हूँ, चलते हैं पेपर लगाता हूँ, और उसके बाद शेप आपको दिखाता हूँ कैसी आ रही है भाई, बढ़िया सी, ठीक है भाई। तो भाई जो है हमारा ये फट गया था ना थोड़ा ये रावण, और अब जो मैंने हाथ बनाए हैं और ये बाकी जो चीज़ें हैं ना इन पर पेपर चढ़ाते हैं, और मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो हमारा कुछ सेटअप है भाई, ये है हमारी लई, आज मैंने थोड़ी पतली बनाई है, दिखाई हो भाई कैसी है पतली आज,
आज हमने थोड़ी पतली बनी, पहले ना गाड़ी उड़ी थी, और अपना ब्राउन पेपर तो है ही, और बाकी अब आपको लगाते हुए दिखाता हूँ। अब देखो ये मुंडी है ना कंप्लीट है, आपकी दिखा दूं दूर से, कान लगने के बाद कान लगा दिया। बहुत लोग कह रहे थे कान नहीं है कान नहीं है, भाई कान लगने के बाद ना अब ऐसी लग रही है मुंडी, मुझे मत बोलना कि भाई अभी ऐसी लग रही है। मैंने तो कभी बनाया नहीं कान भाई, इस बार तुम्हारे कहने से पहली बार जिंदगी में मैंने कान बनाया भाई, इसके ऐसे लग रहे हैं। इसमें बाली वाली टांग देंगे, कुछ कर देंगे। मैं सोच रहा हूँ पता है इसको 3D लुक देने के लिए यहाँ पर पेपर लगा के ऐसे मतलब गोल 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 करके इस पे ऐसे रख के ऊपर से पेपर मार दूँ तो वहाँ पर फूली फूली वाली लुक आ जाएगी। पर ना यार ऊपर जाके ना ये इतनी चीज़ें दिखती नहीं है, फिर भी देखते हैं अभी करते या नहीं करते, पहले टाइम बचेगा तो करेंगे। अब इस पे पता है कैसे लगाना है, हमें लेना है पहले पेपर अच्छा खासा है ना, बहुत सारे पेपर है को है ना ऐसे मतलब लेके इस पे लपेटना है ऐसे करके, और ये हो जाएगी मोटी उंगली, समझ रहे हो। वो मैं अब आपको करके दिखाता हूँ, और फिर उसके ऊपर से लई का कागज लगाएंगे ना तो ये हार्ड हो जाएगा। जो मैंने हाथ है बना दिया है, और पहली बारी आप देखोगे, और अगर कहीं दिख जाए तो बता देना ऐसा हाथ मेरे से पहले बना हुआ, मेरे को देख के कोई बनाए तो पता नहीं, मेरे से पहले अगर किसी ने बना दिया हो ऐसा तो पहले की दिखा देना वीडियो डली हुई, मैं मान जाऊँ। अब देखो मैं दिखाता हूँ, देखो भाई अब लग रहा है ना हाथ, ये देखो, ये देखो ऐसे करके कुछ ऐसे आएगा। रुको मैं इस हाथ से दिखाता हूँ आपको, इस हाथ से ये देखो, अब ये सूखेगा ना पत्थर हो जाएगा। अभी मैंने जस्ट ये शेप देने के लिए एक किया है, अभी आपको दिखेगा ऐसे, समझे भाई आप। अब लग रहा है ना भाई, बहुत कम लोग होते हैं जो भाई उंगली और ये हथेली बनाते हैं रावण की, और इसके हाथ में तलवार दे दो कुछ भी दे दो, मैं तो अभी इसके हाथ में बहुत कुछ करूँगा, अभी छाती भाई बहुत कुछ होगा यार। अभी आप बस जुड़े रहो चैनल के साथ, मज़ा आएगा आपको दशहरे तक। ये देखो भाई अब ऐसी जो दूसरा हाथ है ना वो इधर के लिए, वो ये तलवार के लिए, ये वाला अब ये वाला रेडी करता हूँ भाई। बहुत टाइम लग रहा है आपको, लग रहा है ना बहुत इजी है, कम से कम ये 40 मिनट तो आराम से लग गए मुझे एक हाथ करने, क्योंकि इसमें भाई पेपर क्या करना पड़ता है, पहले पेपर सूखा वाला लेना पड़ता है। इस टाइम ना हाथ जो है पूरे लगभग कंप्लीट है, बस है ना सूखने पे, सूख के है ना फिर ये जाएंगे एकदम पत्थर, फिर आएगी इसमें फिनिशिंग। और ये देखो अब आ रही है शेप, समझे आप कुछ, ये देखो इसमें मैं अटका देता हूँ, अगर अटक रहा है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ बढ़िया से, नहीं अटक रहा, इसको बांधना ही पड़ेगा, मतलब आप समझ गए ना चीज़ मैंने क्या बनाई है यहाँ पर। ये ऐसे होएगा, ये हाथ आपका ऐसे बन गया, ठीक है, और ये वाला जो हाथ था इसको देना था मुझे ऐसे, ऐसे देना था, इसमें आएगी तलवार। हाँ भाई बंदा ने पकड़ रखी, यहाँ से तलवार निकलेगी और हाँ भाई चीज़ लगेगी, हाँ भाई कुछ ऐसे टाइप की भाई, बहुत बहुत रेयर होगा भाई, बहुत ज़्यादा रेयर। और ये भाई जो बनाई है एकदम कलाकारी है बढ़िया, हाँ भाई दिखे, और ये देखो भाई अब लगेगा ना बढ़िया, ये देखो दिख रहा है, ये होता है मज़ा भाई, बनाने में भी मज़ा आया भाई देखने में। ये अंगूठा यार इसका ना थोड़ा छोटा रह गया, बताओ क्यों, ये वाला इसका तो भाई सही अंगूठा है, ये देखो बड़ा अंगूठा है इसका, इसका ये छोटा इसलिए रह गया क्योंकि ना यार यहाँ पर ना शेप देनी थी ना पकड़ने वाली, तो इसका है ना या तो है ना यहाँ पर मुझे बाहर तक लाना था, वो अजीब सा लग रहा था, मैंने सोचा ऐसे ही दे देते, इतना तो चलता है थोड़ा बहुत। बाकी आपको फेस एक बार और दिखाऊँ मैं, देखो फेस अब आ रही है ना इसमें शेप, कान में लगा दिया तुमने बोला था कान के लिए, ये देखो भाई कान भी मेरे को थोड़े वैसे है ना अजीब से लग रहे, अब तुम कह रहे हो बार बार तो मैंने लगा दिए, देखो इसमें बाली टांगेंगे सब कुछ करेंगे भाई, बढ़िया सी फिनिशिंग आएगी एक नंबर की। और लुंगी मुकुट ये सब आपके वहाँ रखे हुए हैं, ये रही लुंगी और मुकुट बोरे। इस वीडियो में मेरे को इतना ही दिखाना था हाथ कैसे बनते हैं, और आँख भी बना के देखी पर ना मज़ा नहीं आ रहा था यार आँख में ना, और आँख बनाएंगे उसकी थर्माकोल की बनाएंगे एक नंबर की, जैसे शेप देके ऐसे, और उस पे से कलर वलर करके बढ़िया आँख बनाएंगे,
रियलिस्टिक वाली, और पलक आईब्रो वाईब्रो सब बनाएंगे, तो जुड़े रहना चैनल के साथ। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए अभी चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ऐसी मिलते हैं और वीडियोस में, टिल देन बाय।